अगर एक भी बच्चा अपने दिल में मेरी बातों को बैठा ले और उसकी जिंदगी बन जाए, सो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दिवतन अग्रवाल एसर टेलीकॉम की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, फिरोज, दुर्गेश और मिलन की तरफ से आप सभी लोगों को इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मैं कामना करता हूँ कि ये वर्ष आपके जीवन में नए नए अवसर लेकर आए। दोस्तों हम हमेशा की तरह अपने से वादे करते हैं इस वर्ष में कि हाँ, इस आज नया साल फिर आ गया तो क्यों ना मैं कुछ अपनी बुराइयों को दूर करूं और अच्छाइयों को पास लाऊं ताकि मैं जीवन में सफल हूं। और हम एक लिस्ट भी बनाते हैं, पर हम उस लिस्ट पे बहुत दिन तक काम नहीं कर पाते। हम वापस अपने जीवन को वैसे ही पाते हैं जैसे कि हमारा जीवन पहले रहता है। जीवन में सफल असफल होने का सिर्फ जो पैरामीटर है वो सिर्फ मेहनत नहीं है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी देख कर चलना पड़ता है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कोई एक ऐसा तरीका है कि क्या हम अपने जीवन में जो बनाई गई एक लिस्ट, जिसको अगर मैंने कहा कि इस साल में ये जो अपनी बुराइयां हैं इसको मैं दूर करूंगा और जो मैं अंदर अच्छाइयां मुझे पैदा करनी है उसको मैं अपने अंदर रखूंगा और ये हैबिट बनाऊंगा। सो क्या एक ऐसा तरीका आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या एक ऐसा तरीका है कि ये मैं पूरा कर सकूँ, तो मैं आपसे कहूँगा हाँ, मेरे पास एक तरीका है और मैं आपको वो तरीका शेयर करूँगा। और उस तरीके को शेयर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक मोटिवेशन कहानी सुनाता हूं दोस्तों, और उस कहानी का मैंने नाम दिया है कि तुमसे ना हो पाएगा। हालांकि आपको मैं इस कमेंट पे कहना है कि सर हमसे तो हो ही पाएगा। दोस्तों ये कहानी एक शराबी की, जो अपने शराब पीने की आदत से काफी मजबूर रहता है, काफी दुखी रहता है। वो एक महात्मा के पास जाता है, उनसे कहता है कि महात्मा जी मेरी शराब पीने की लत छूट ही नहीं रही, जैसे मेरा घर, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तो मुझे इससे बाहर निकालिए। तो दोस्तों महात्मा जी सीधे से सवाल करते हैं कि तुम शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते अगर तुम्हें शराब पीने की लत लगी है। तो वो कहता है कि महात्मा जी इतना आसान होता तो मैं छोड़ नहीं देता क्या, असल में मैं शराब को नहीं पकड़ा, इस शराब ने मुझे पकड़ के रखा है, तो मैं इसको छोड़ूं कैसे। दोस्तों आपने अपने जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को देखा होगा जो नशा करते हैं या जो शराब पीते हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं ये नहीं करता बल्कि ये चीज़ मेरे अंदर आ गई है और मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि मैंने इसे नहीं पकड़ा बल्कि इसने मुझे पकड़ के रखा हुआ है। सो ये जो बहाने हैं लोग ये पकड़ के चलते हैं, और क्योंकि उनको जीवन में वो चीज़ नहीं छोड़नी है और उस जीवन और उसके कारण उनका जीवन भी बर्बाद होता है। तो दोस्तों महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, तुम अगले दिन आओ सवेरे और मैं तुम्हारे लिए एक उपाय करता हूँ। तो जैसे ही वो अगले दिन आता है, महात्मा जी जैसे ही उस शराबी को देखते हैं तो अपनी जगह पे खड़े हो जाते और एक पेड़ को पकड़ लेते हैं और पकड़ के वहाँ खड़े रहते हैं। सो वो आश्चर्य तरीके से उनको देखता रहता है और सोचता रहता है कि ये महात्मा जी कर क्या रहा है। बहुत देर तक तो वो देखता रहता है, उसके बाद वो जब उनसे पूछता है कि आप इस पेड़ को पकड़े क्यों हैं, सो महात्मा जी कहते हैं कि इस पेड़ को मैं नहीं पकड़ा, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, अब मैं छोड़ नहीं पा रहा इस पेड़ को। तो शराबी कहता है कि महात्मा जी मैं शराबी हूँ, मूर्ख नहीं, मुझे पता है आप इस पेड़ को छोड़ देंगे तो आप छूट जाएंगे। तो महात्मा जी सुनते ही उस पेड़ को छोड़ देते हैं और वहाँ से अलग हो जाते हैं। सो महात्मा जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा बल्कि तुमने शराब को पकड़ा। अपने दिमाग के अंदर की सोच बदलो तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम बदल नहीं सकते। दोस्तों इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में मेहनत तो सभी करते हैं, पर अगर डर संकल्प हमने अपना लिया और अपनी बुरी आदतों को दूर कर लिया तो हम उन मेहनत करने वालों से भी आगे निकल जाएंगे और अपने जीवन के आने वाले हर अवसर का फायदा उठाएंगे और जीवन में सफल होकर दिखाएंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये शब्द मेरे हैं देवेंद्र अग्रवाल के, आज आप सभी से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को अपनाया और इस चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ किया तो जो लोग आज के डेट में आपके पीछे या आपके सामने आपकी बुराई करते हैं, आपको लेट डाउन करते हैं, वही लोग एक दिन आपके पीठ थपथपाएंगे। दोस्तों हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालें और दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करें तो जीवन में कुछ भी किया जा सकता है। दोस्तों हमेशा से एक बात याद रखिएगा कि मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता आया हूँ कि सोच बदलेगी तो जीवन बदलेगा। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ऊपर वालों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को जो भी चाहिए इस नए वर्ष में वो आपको मिले, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी ही सफलता आपको मिले। दोस्तों ध्यान रखना मैंने कहा है जितनी मेहनत कर रहे हैं, सो मतलब आपको ज़्यादा सफलता चाहिए तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी ही होगी। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और बने रहिए इसी के साथ चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2020। ऑल द बेस्ट।